हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हैंगिंग प्लांटर्स। घर पे हमारे खाली ग्लास के बॉटल्स और प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं जो हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, बारिश का मौसम आ गया है और हमें अपने प्लांट्स की कटिंग छटिंग करनी होती है तो हम जो है फेंक देते हैं उनकी या तो हमारे पास गमले नहीं होते हैं या फिर जगह नहीं होती है, तो हम उनको जो है अपनी कटिंग्स को इन बॉटलों में हैंग करके लगा सकते हैं कहीं भी। ये सुंदर भी दिखते हैं और ये आपका यूज़ भी हो जाता है, बॉटल का भी यूज़ हो जाता है और प्लांट्स का भी यूज़ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं। ये मैंने एक बना रखा है, ये देखिए, ये हैंगिंग। इसमें आप या तो फेरी लाइट लगा के इसको टांग सकते हैं या इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं। इसको मैंने वाइट जूट थ्रेड से बनाया है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये ग्लास बॉटल में मैं ग्रीन जूट थ्रेड से बनाऊंगी। आपके पास अगर नहीं है कलर्ड तो आप इस तरह के नॉर्मल जूट थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसके लिए जो हमें चाहिए, सबसे पहले ये ग्लास का मेजरमेंट लेना पड़ता है। आपके पास जैसा बॉटल हो उस बॉटल की हाइट से आपको डबल, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अगर आपको नीचे बांधना है तो थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैंने लिया है डबल से। ऐसे मैंने 8 थ्रेड लिया है। आपकी बॉटल की जैसी चौड़ाई हो उस तरह से आप ले सकते हैं, 6, 8, 10 उस हिसाब से। तो मेरी बॉटल की जो चौड़ाई है, गोलाई है, उस हिसाब से मैंने 8 लिया है। सबसे पहले इसमें हमें एक बेस नॉट बांधना पड़ेगा। इसके यहाँ पे हम एक पहले नॉट बांधेंगे। इसको आप अभी हल्का ही रखिए, बाद में जब सारे थ्रेड इसमें बन जाएंगे इसको हम बाद में एक बार टाइट करेंगे। उसके बाद इसमें ये जो हमने 8 थ्रेड काट के रखा है उसको जस्ट इसके नीचे से ऐसे लेना है। ये लूप सा है, बन गया, इसके अंदर से इसको निकाल लेना है, बस और कुछ नहीं। सारे थ्रेड को इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से हमने लगा लिया है 8 थ्रेड। अब ये जो हमने बेस नॉट बांधी थी इसको अब थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे। पहले अगर इसको हम टाइट बांधेंगे तो इसके अंदर से वो लूप निकलेगी नहीं, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा लूज ही रखते हैं, बाद में इसको टाइट कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। गांठ को छुपा देते हैं। चलिए अब फटाफट बनाना शुरू करते हैं।
मैंने बॉटल बनाना आपको सिखाया, वो मैंने मेरे मेन एंट्रेंस के बाहर एक मेरा शू रैक है उसके ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि हमेशा जो है मेन एंट्रेंस नेगलेक्ट ही रहता है। हम घर को तो सजाते हैं बट एंट्रेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ये मेरे दो पुराने डिवाइस हैं जो आपने किचन के वीडियो में और लास्ट मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में बनाया था उसमें देखा होगा। बाकी ये बॉटल्स आपने मेरे किसी भी और वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये तो मैंने जो फ्लोटिंग कैंडल जला रखे हैं वो मैंने दिवाली में आप लोगों के साथ शेयर किया था। दो जैम के बॉटल हैं, यहाँ पर मैंने मेरा एक्वेरियम रखा हुआ है क्योंकि घर के अंदर इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपने मेन एंट्रेंस में रखा हुआ है। ये एक मेरे पास लकड़ी का स्टैंड है जो आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने पहले भी देखे। इसमें भी मेरे पुराने बॉटल्स DIY वाले हैं। और यहाँ पे दो खिड़की है, उसके ऊपर भी मैंने दो DIY, एक तो पुराना है आपने देखा है मेरे बैल्कनी मेकओवर में, दूसरा मैंने एक न्यूट्रीलाइट का डब्बा था उसको ही काट के उसमें कुछ पेंट कर दिया है। मैं प्लास्टिक पॉट पेंटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सारे मेरे गमले को रिपॉटिंग किया है तो अभी मुझे पेंट करना है। और आज मैं आपको ये मेरे दिन का व्यू दिखा रही हूँ, अभी दोपहर के 2 बजे हैं और बाहर थोड़े से बादल है इसलिए लाइट कम है, और इस कॉरिडोर में 7 बजे के बाद लाइट जलती है। तो मैं आपको इसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। ये मेरा मेन डोर है और यहाँ पे बाहर भी मैंने कुछ प्लांट रखे हुए लेकिन अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक लुक दिखाऊंगी शाम को। बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा मेरा DIY पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।